नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। कोरबा नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 3 राताखार क्षेत्र में सफाई कार्य किया गया। विशेष सफाई कार्यों के साथ ही डोर टू डोर पहुंची निगम की टीम, लोगों को स्वच्छता के प्रति किया जागरूक। निगम के अधिकारी व रोटरी क्लब के सदस्यों ने भी स्वच्छता कार्यों में दी सहभागिता। स्वच्छता महाअभियान के दौरान वार्ड 3 में आने वाले बजरंग चौक राताखार से टावर चौक तक, राताखार टावर चौक के आंतरिक मोहल्लों में विशेष स्वच्छता ड्राइव चलाई गई। सफाई कार्यों के साथ साथ घर घर पहुंचकर बस्तीवासियों को स्वच्छता में सहयोग देने व सफाई कार्यों के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया गया। रोटरी क्लब के सदस्यों ने महाअभियान में आज भी अपनी सहभागिता दी तथा जन जागरूकता संबंधी कार्यों में भागीदारी निभाई। महापौर राजकिशोर प्रसाद और आयुक्त प्रभाकर पांडे के मार्गदर्शन में नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा 10 फरवरी से 31 मार्च तक निर्धारित कार्य योजना के तहत कोरबा शहर में स्वच्छता का महाअभियान संचालित किया जा रहा है। इस दौरान नालियों की सतह से सफाई, सड़क के किनारे एवं नालियों में उगी घास, वन व झाड़ियों की सफाई, CND वेस्ट का उठाव, उत्सर्जित कचरे व मलबे का तुरंत उठाव व परिवहन सहित अन्य स्वच्छता संबंधी कार्यों को विशेष अभियान के रूप में संपादित कराया गया। पार्षद रवि चंदेल, उपायुक्त खजांची कुम्हार, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय तिवारी, स्वच्छता निरीक्षक उत्तम दास महंत, विक्रम अग्रवाल व उनकी टीम के सदस्य विनोद गुण व रोटरी क्लब के सदस्यों ने स्वच्छता मित्रों के साथ मिलकर सफाई का कार्य भी किया। स्वच्छता अधिकारी संजय तिवारी भी लगे हैं, उनकी पूरी टीम लगी हुई है। तो नगर निगम का ये अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के हम लोग अवसर पर स्वच्छता को फोकस किए हुए हैं और पूरे वार्डों में जहाँ भी नालियाँ गंदगी से भरी हुई है और पानी का निकासी का प्रॉब्लम है, वो सब को सफाई कर रहे हैं। और इसी तारतम्य में आज मेरे ख्याल से 10वां 11वां दिन है, तो आज वार्ड क्रमांक 3 में पूरा हमला लगा हुआ है और इसी तरह से आगे पूरे मार्च तक ये अभियान चलता रहेगा। और हमारा ये संकल्प भी है, उद्देश्य भी है कि पूरे नगर निगम को स्वच्छ और साफ सुथरा रखें। और इस चैनल के माध्यम से हम आम जनता से अपील भी करते हैं कि हम स्वच्छता के प्रति जागरूक रहें और अपने आस पास पड़ोस में कहीं भी गंदगी न जमा होने दें। कहीं भी अगर कचरा का ढेर लगता है तो निगम के संबंधित अधिकारी को वहाँ जोन में उसको खबर करें, तत्काल उसको कचरा को डिस्पोजल हम सब करते हैं। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा जो महास्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है उसके तीसरा दिन आज हमारे वार्ड में कल परसों दो दिन और हुआ है, जिससे पूरे वार्ड में जो है सफाई अभियान चला, जिसमें रोटरी क्लब के सदस्यों द्वारा जो है बहुत अच्छा सहयोग भी किया गया। निगम के हमारे अधिकारी स्वच्छता अधिकारी संजय तिवारी जी, इनका टीम जो है पूरी टीम लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे ये नाला जो डिसमेंटल है उस पर भी आज जो है सफाई अभियान करके जो है इसको क्लीन किया जा रहा है। अभी वर्तमान में महापौर जी आए थे, महापौर जी द्वारा कहा गया जिस नाला को जल्द से जल्द बनवाएंगे। हमारे स्वच्छता टीम और साथ में हमारे स्वच्छता टीम के जो भी निरीक्षक हैं उनको मैं वार्डवासी की तरफ से धन्यवाद कहूँगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा तोड़े जाने पर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गोरवाना गणतंत्र पार्टी के स्थापक व पूर्व विधायक स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा को तोड़ने के विरोध में कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर प्रदर्शन किया, साथ ही ज्ञापन सौंपते हुए घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। दरअसल गुरसिया में स्थापित स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम की प्रतिमा को 17 फरवरी को अज्ञात बदमाशों ने तोड़ दिया था। घटना की जानकारी मिलते SDM, SDOP व बांगो पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जायजा लिया। गोंगपा कार्यकर्ताओं को जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन देते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया था। घटना के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी व्याप्त हो गई थी और उन्होंने स्थल पर धरना शुरू कर दिया था। बाद में बैठक कर प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने का निर्णय लिया। गोडवाना समग्र विकास आंदोलन के तहत गोंगपा के सभी विंग, गोडवाना स्टूडेंट यूनियन, गोंगपा युवा मोर्चा, गोडवाना मातृ शक्ति संघ, गोडवाना महासभा के कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।
कोरबा जिला मुख्यालय में कलेक्टर कार्यालय व पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साथ ही दीपका, पोड़ी उपरोड़ा, कटघोरा, हरदी बाजार व अन्य क्षेत्र में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए केंद्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री, गृहमंत्री व कलेक्टर को प्रतिलिपि सौंपी। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि स्वर्गीय हीरा सिंह मरकाम को उनके सामाजिक आंदोलनों और समाज सुधार कार्यों के लिए गुणवाना रत्न तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट से भारत सरकार ने सम्मानित किया था। ये है कि विगत 17/2/2022 को गुरसिया में गुणवाना रत्न से सम्मानित गुणवाना समग्र विकास क्रांति जन आंदोलन के महानायक दादा मरकाम जी, जिनका स्टेच्यू 10 फरवरी 2022 को गुरसिया हाट बाजार में स्थापित किया गया था, जिसको 17 तारीख को किसी असामाजिक व्यक्तियों के द्वारा खंडित करके उनको तोड़ दिया गया है, जिससे पूरे भारत देश के मूल निवासी समाज और गुंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के जितने भी उनके अनुयायी हैं, सबके आत्मसम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। और इस प्रकार से जो कृत्य किया गया है, ये बहुत निंदनीय है। इसका हम पूरा विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को प्रायोजित सुनिश्चित तरीके से खंडित किया है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें फांसी का सजा दी जाए और जो आरोपी है उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। अन्यथा गुंडवाना गणतंत्र पार्टी और यहाँ के जितने भी सर्व आदिवासी समाज के लोग हैं और गुंडवाना के समस्त महासभा हैं, सभी लोग सामूहिक रूप से मिल करके उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और हम चाहते हैं कि इसकी जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और उनको फांसी की सजा दिया जाए। पिछले 17 तारीख को जो कोरबा जिले में घटना क्रम जो सामने आया है, इससे समाज में जबरदस्त आक्रोश है। कोरबा जिला बहुत ही शांतिप्रिय जिले के रूप में जाना जाता है और जिस तरह से दादा हीरा सिंह मरकाम के मूर्ति के साथ छेड़छाड़ किया गया है, उसको तोड़ने के काम की गई है, इससे पूरे समाज में, आदिवासी समाज में जबरदस्त आक्रोश है। हम मांग करते हैं कि अपराधी तुरंत पकड़े जाएं, नहीं तो आदिवासी समाज इससे बहुत व्यथित है, पीड़ित है और बहुत जल्दी अगर कार्यवाही नहीं होगा तो आदिवासी समाज का उग्र रूप आप रोड में और आंदोलन के रूप में अभी देखेंगे। जबरदस्त आक्रोश आदिवासी समाज में, इसलिए हम लोग हमारे शासन प्रशासन से निवेदन करने के लिए माननीय महामहिम राज्यपाल महोदया को के नाम तथा माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम से एक ज्ञापन देने के लिए आदिवासी समाज के लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे समाज के द्वारा इस ज्ञापन को दिया गया है और हमारा मांग है कि गंभीरतापूर्वक हमारे आदिवासी समाज के मान सम्मान से जुड़े विषय को जितना जल्दी निपटाएं उतना अच्छा होगा, अन्यथा आदिवासी समाज के आक्रोश को बहुत जल्दी झेलना पड़ेगा, ऐसा आदिवासी समाज का कहना है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में नकली गन की चिंगारी ने कराया हादसा, एक युवक घायल, जिला अस्पताल में उपचार जारी। दरअसल वीआईपी रोड में सरस्वती स्कूल के पास हुए हादसे में एक युवक घायल हो गया। घायल युवक बाइक चलाते समय नकली रिवॉल्वर से फायरिंग कर रहा था, उससे निकली चिंगारी से हादसा हो गया। घायल युवक को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका उपचार जारी है। बाइक पर फर्राटा भर रहा चालक अपने पास नकली रिवॉल्वर रखा हुआ था, जिसके फायरिंग करने पर चिंगारी निकलती है। रास्ते से गुजरने के दौरान इससे निकलने वाली आवाज से आसपास के लोगों को सकते में डाल दिया। इसी दौरान यहां पर हादसा हो गया जिसमें बाइक चला रहा युवक घायल हो गया। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। कोरबा जिले के बुंदेली ग्राम पंचायत में सरपंच के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का मामला गर्माते जा रहा है। पंचायत के 14 पंच अविश्वास प्रस्ताव के जांच की मांग को लेकर कोरबा जनपद पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा है। पंचायत के 16 पंचों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसकी प्रक्रिया को पूरी की गई। 16 में से 14 पंचों ने अपने मत का प्रयोग किया, बावजूद इसके सरपंच की कुर्सी बच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि तहसीलदार ने रिश्वत लेकर सरपंच की कुर्सी बचाई है। इस मामले को लेकर जनपद पंचायत सीईओ को पंच और ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की है।
कल ना अविश्वास प्रस्ताव का चुनाव था, उसमें गलत तरीका से चुनाव हुआ और जो 14 उपस्थित थे हम लोग और सरपंच के पक्ष का दो पंच और सरपंच अनुपस्थित थे और दो वोट हमारा रिजेक्ट हो गया बोल रहा है, जबकि सही है। हम लोग चाहते हैं कि उसका निर्णय सही हो, वोटिंग का दूसरा गिनती कराना चाहते हैं, उसको जांच करा फिर से होना चाहिए चुनाव, क्योंकि हम लोग ना 14 के 14 पंच उपस्थित हैं यहाँ। कल आए हैं कि हमारा निर्णय मिले यहाँ। क्या चीज़ का निर्णय चाहिए? निर्णय चाहिए कल ये कि जब पंच मन वोट दे हैं एक साइड में तो दूसरे साइड में किसे चिन्ह लग गए हैं, 14 जन में जब एक साइड में दे हैं तो दूसरा पार किसे चिन्ह लग गए हैं, ओकरे लिए हम निर्णय ले बार आए हैं नहीं, जब तक ले हमारा निर्णय नहीं हो तब ले हम यहाँ ले नहीं जाए। हम जनपद में आए हैं, कलेक्टर ऑफिस जाबो, तहसील ऑफिस में जाबो, जहाँ हमारा निर्णय नहीं हो तब ले हम नहीं जाने हैं, रहो हम यहाँ भूख हड़ताल कर। हमारे साथ गलत हो है, जब 14 जन जब दे हैं एक पार में और पार में एक ठन निशान नहीं गए हैं, एक पार अपने तो मारे हैं, हमला सही निशान हमला सही इंसाफ मिली तो हम जाबो नहीं तो नहीं जाने। अब वहाँ वहाँ के स्टाफ मन कर रहे हैं, जो रही हुई तहसीलदार मन मन कर रही, अब हम तो नहीं रहे अंदर में तो हम थोड़े जाना था कौन करे है, अब वही मन तो करे हैं, जब तहसीलदार मन कर रहे हैं, जब सब जन 14 के 14 जन पंच मन जब अपन राइट के चिन्ह मारे हैं तो वो पार किसे कट के चिन्ह मर गई एक झके। हम इंसाफ मांग चाहत हन, दोबारा चुनाव हो चाहत हन। हमारे यहाँ कल ग्राम पंचायत के अविश्वास के चुनाव से तो हम 14 पंच उपस्थित हुए हैं, अधिकारी जी से और सरपंच के पक्ष से कोई भी नहीं, सरपंच भी अनुपस्थित थे, तीन आदमी। अब ये 14 जने में चुनाव करे से 14 पूरा एक मत से वोट दे हन, जब गिनती करी से तो दो ठो लग एक गलत है, जबकि सही निशान लगे राइटे लगे हम और सरपंच के माँ गुड़ा करनारी से तो एक भी गुड़ा नहीं हो, माँ कट के निशान नहीं है, सही के निशान ना हमन के राइट लगे है 14 में 14। अब दो ठो है गलत कहते कि ठे पार हो गए ठे पार हो गए कहते एक ठीक, जबकि सही है तब हम आना था तो वो नहीं माना थे अधिकारी है जो चुनाव करा गए से तहसीलदार साहब के हाँ साथ तो पूरा खिलवाड़ करा थे तहसीलदार है पूरा मिले है सरपंच से जो निरस्त करे थे जाँच करे उच्च अधिकारी से जाँच करवाए वाला वास्तव में सही है कि गलत है कर फिर से नया वोटिंग कराए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्रे जमनी पाली जेलगांव, CSE बेस्ड पावर सिटी पुष्पल्लव साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722 7862225। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है।
तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़ें और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786 9630307395। तमिलनाडु प्रांत में जिस तरह से एक 17 वर्षीय छात्रा ने मौत को गले लगाया, उसे लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ABVP ने दर्री क्षेत्र में मशाल रैली निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। धर्म परिवर्तन के लिए छात्रा पर दबाव बनाया गया, यही वजह है कि उसने जहर का सेवन कर अपनी जान दे दी। कोरबा के दर्री इलाके में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने दमदार प्रदर्शन किया। देश के तमिलनाडु राज्य के लावण्य इलाके में एक 17 वर्षीय छात्रा पर धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, लेकिन छात्रा ने अपना धर्म परिवर्तन करने से इनकार कर दिया और जहर खाकर अपनी जान दे दी। छात्रा को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, उसे लेकर ABVP काफी आक्रोशित है। स्थानीय पदाधिकारियों का आरोप है कि लावण्य में छात्रा को न्याय दिलाने ABVP ने प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उनकी आवाज दबा दी। लावण्य के विकास के लिए उपलब्ध हुए हैं। लावण्य तमिलनाडु की 17 वर्षीय छात्रा की जिसे धर्मांतरण के लिए प्रताड़ित किया गया और उसे मजबूरन आत्महत्या करना पड़ा और इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं को भी तमिलनाडु हमने इसी के खिलाफ आवाज उठाई है और जब तक लावण्य को विकास मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट। कोरबा में राजस्व मंत्री अग्रवाल ने वार्ड 27 में सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण। ऊर्जा नगरी कोरबा के विकास में साहू समाज का भी अहम योगदान। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि ऊर्जा नगरी कोरबा के विकास में सभी समाजों के साथ साहू समाज का भी अहम योगदान रहा है। कोरबा की प्रगति में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह बातें राजस्व मंत्री अग्रवाल ने वार्ड 27 में आयोजित सामुदायिक भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर कही। नगर निगम द्वारा पूर्व महापौर रेणु अग्रवाल द्वारा स्वीकृत किए गए सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य 8,60,000 रुपए की लागत से किया गया है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने माता कर्मा की पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर लोकार्पण पट्टिका का अनावरण कर सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर राजकिशोर प्रसाद ने की। राजस्व मंत्री अग्रवाल ने कहा कि वार्ड 4 में भी साहू समाज के लिए भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं ढेंगुर नाला के समीप नवनिर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण भी शीघ्र किया जाएगा। राजस्व मंत्री अग्रवाल ने सभी समाज से कहा कि आपसी एकता एवं परस्पर भाईचारा के साथ हम सब मिलकर समाज, शहर, प्रदेश एवं देश के विकास में अपना योगदान दें। अपने शहर व प्रदेश को और अधिक विकसित रूप देने में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। हमारे कोरबा जिले में साहू समाज का बहुत बड़ा योगदान है, बड़ा समाज है हमेशा, और पूरे प्रदेश लेवल में भी आप लोगों ने देखा होगा कि काफी संख्या में साहू समाज से विधायक, सांसद, मंत्री चुन के आते हैं और प्राथमिकता सभी जगह उनको सामाजिक जो प्रतिष्ठा की बात है या राजनीति के क्षेत्र में उनको कहीं न कहीं अवश्य रूप से महत्व मिलता है। कोरबा जिले में भी काफी संख्या है, आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है इस कोरबा जिले के औद्योगिकरण में, कोरबा के विकास में। आपके चाहे कोयला की खदानें हो, चाहे NTPC के पावर प्लांट हो, चाहे बाल्को का एल्युमिनियम कारखाना और पावर प्लांट हो, चाहे CACV का प्लांट हो, या जितने भी कोरबा में कोरबा जिले का जो औद्योगिकरण हुआ, जिस की बदौलत आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं, क्योंकि कोरबा तो एक छोटा सा गांव हुआ करता था। धीरे धीरे जब कोयला की खदानें खुली, उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बाल्को की आधारशिला रखी। इसके साथ साथ 1980 में जब इंदिरा जी थी तो NTPC का पावर प्लांट आया। इसके साथ साथ आपके पंडित श्यामाचंद जी शुक्ल, स्वर्गीय बिसाऊ दास जी महंत, इन सब के प्रयास से आपका बांगों का डैम बना। तो इन सब चीजों को भुलाया नहीं जा सकता। कोरबा के विकास में जो हमारे महान पुरुषों ने और हमारे नेताओं ने, राजनेताओं ने जो योगदान इस कोरबा जिले को दिया है, इसकी रोशनी पूरे रायगढ़, जांजगीर और आसपास के जिलों में फैली हुई है।
महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल के समक्ष जो भी समस्याएं रखी गई, उन्होंने सदैव उन समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया। ऊर्जाधानी कोरबा का जो विकसित स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका राजस्व मंत्री अग्रवाल की रही है। इस अवसर पर तहसील स्तरीय साहू संघ के सचिव भागवत प्रसाद साहू ने समाज की ओर से आभार व्यक्त किया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा के बालको नगर थाना क्षेत्र के शिवनगर निवासी एक महिला ठेकेदार से एक युवक ने की मारपीट। पीड़ित महिला ने पुलिस से की शिकायत। मोहल्ले में ही रहने वाले कुसुम मुर्मू नामक युवक पहले तो महिला के घर में घुसने का प्रयास किया। विरोध करने पर महिला को घसीटकर मारपीट कर फरार हो गया। पीड़ित महिला ने बालको नगर थाना में लिखित शिकायत दी है, लेकिन इस मामले में महिला के अनुसार उसकी शिकायत पर अब तक FIR दर्ज नहीं किया गया। उसका कहना है कि पुलिस ने बताया कि जांच के बाद FIR दर्ज की जाएगी। महिला ने मांग की है कि यदि युवक की दिमागी हालत ठीक नहीं है तो मानसिक अस्पताल भेजा जाए, और यदि उसकी हालत ठीक है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इससे पहले भी युवक के खिलाफ थाना में शिकायत की गई थी। सर, कल मैं शाम को अपना गेट बंद करके अंदर में सो रही थी, मोबाइल देख रही थी कि मेरे दरवाजे को तोड़ने का आवाज़ आया, हिला रहा था। मेरे घर का पड़ोसी है जो मुंडा मुंडा बोलते हैं वो, तो फिर मेरा बेटा बोला मम्मी कोई दरवाजे को खटखटा रहा है, देख मुंडा। मैं बोली, फिर गई मैं बोली क्यों मेरा दरवाज़ा को खटखटा रहा है, तो क्यों तोड़ रहा है, तेरा इतनी हिम्मत, वो बोलता है कि गंदे गंदे गाली देने लगा, तो पुलिस को बुलाना है तो बुला ले, ऐसे कर। फिर मैं 112 को फ़ोन किया, 112 को फ़ोन की तो बहुत टाइम हो गया, 10-15 मिनट हो गया, जब नहीं आ रहा था 112, तो मैं घर ताला खोल के घर से बाहर निकली, तो वो मेरे को पकड़ के मेरा गला, और गला को पकड़ के तो मैं उसको काटी हूँ हाथ को, तो मेरे पैर को पकड़ के पूरा घिसला दिया रास्ते पे, तो मेरा पैर, मेरा पीठ, हाथ में पूरा चोट लगा हुआ है। और मैं थाना आई हूँ तो कल मुलायजा करवाई हूँ थाना में, लेकिन अभी मैं FIR का एक पर्ची मंग रही हूँ, तो बोल रहे हैं अभी FIR नहीं हुआ है, ऐसे तो नहीं जानती हूँ, वो बोल रहे हैं कि अभी उसको लाएंगे या नहीं पता मुझे, अभी पहले छानबीन करेंगे फिर FIR। जब पति अभी बाहर है तो, और मेरा छोटा बच्चा, मैं कितना साल का बच्चा है, 3.5 साल का एक छोटा बच्चा है और एक 10-12 साल का। और भी कई बार FIR मेरे से ऐसा और भी कर चुका है वो, मैं उसके खिलाफ और भी करवा चुका हूँ, यहाँ ला के शिकायत की हूँ। और 2 हफ्ते बाद वो मेरे घर के पास पहले भी ऐसी कर रहा था, तो मैं थाना में सूचना दी थी, सर को कॉल की थी, यही सर को तो भेजे थे पेट्रोलिंग गाड़ी, फिर उस समय तो कुछ नहीं किया। और जब हादसा नहीं होता है तो आदमी ध्यान भी नहीं देता है, मैं भी ध्यान नहीं दी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनी पाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट, नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में। दर्रे जमनी पाली जेलगांव, CSE बेस्ड पावर सिटी पुष्पल्लव साडा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222258। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉनस्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बालको केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बालको नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738।
9888-188-4018. NXT Digital New MPEG 4-Box, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण NXT MPEG 4-Box में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट, नॉनस्टॉप प्रसारण, 1250 रुपए का बॉक्स, पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT Digital से जुड़े और उठाए मौके का फायदा। संपर्क करें फिम सैटेलाइट एंड केबल टीवी, मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा के ग्योरा क्षेत्र में रहने वाले लोग इन दिनों काफी परेशान हैं। उनकी परेशानी की वजह कुछ और नहीं बल्कि SBI का ATM है, जिसके बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। SBI बैंक प्रबंधन की मनमानी से ग्योरा क्षेत्र में रहने वाले लोग इन दिनों काफी परेशान हैं। बुधवारी बाजार में प्रबंधन द्वारा ATM लगाया गया है, जो हमेशा बंद रहता है। ATM के बंद रहने से आम जनता को पैसे निकालने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में कई बार शिकायत की गई है, लेकिन समस्या के समाधान को लेकर किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। न्यूज डेस्क, मीडिया फॉर सपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।